हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की सुपर डुपर हिट फिल्म दृश्यम के पार्ट टू को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 14 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 15वां दिन है, यानी कि इस फिल्म ने अपना दूसरा शानदार हफ्ता भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धमाकेदार बिजनेस के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। यानी कि यह इस फिल्म ने पिछले 2 हफ्तों में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है ना, उसको देखने के बाद तो भैया कई लोगों की ना आंखें फटी की फटी रह गई होंगी ये सोचते हुए कि भाई हम इस फिल्म से तो करवाना ये चाहते थे, मगर ऑडियंस ने हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया, हमारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए दृश्यम के पार्ट टू को इतना प्यार दिया कि भैया हमारे ही मुंह पर कालिख फूट गया। यानी भैया इनकी तो मंशा ये थी कि भैया ये फिल्म केवल 4 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाए, लेकिन इनको कहां पता था कि भैया ये फिल्म 4 दिनों में 75 करोड़ का बिजनेस कर लेगी, उसके बाद भैया 7 दिनों में ये फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस कर लेगी, उसके बाद 9 दिनों में ये फिल्म 125 करोड़ का बिजनेस कर लेगी और उसके बाद भैया 12 दिनों में ये फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा भी बॉक्स ऑफिस पर पार कर लेगी। यानी कि भाई इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था अजय देवगन की इस फिल्म के खिलाफ, वो षड्यंत्र उन्हीं के ऊपर भारी पड़ा और भाई वो लोग इस फिल्म के खिलाफ अब कुछ बोलने लायक भी नहीं रहे मेरे भाई। यानी भैया इस फिल्म को लेकर जो जानकारी मैं आप लोगों को लगातार दे रहा था वो जानकारी डे बाय डे सही होती नजर आ रही थी। यानी कि भैया मैंने ये बात आप लोगों से कही थी ना कि ये फिल्म बहुत ही आसानी से दूसरे हफ्ते के माध्यम से 160 करोड़ का आंकड़ा पार करके दिखाएगी, तो भैया फाइनली इस फिल्म ने ये आंकड़ा पार कर लिया है मेरे भाई। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भैया इस फिल्म ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन किया था, तो भाई वो आंकड़ा था 104 करोड़ 66 लाख रुपए का। और भैया उसके बाद जब इस फिल्म का दूसरा हफ्ता दूसरे फ्राइडे के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर शुरू हुआ, तो भैया इस फिल्म को दूसरे फ्राइडे को कितने का कलेक्शन मिला था, तो भाई वो आंकड़ा था 7 करोड़ 87 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस फिल्म को 9वें दिन यानी भैया दूसरे सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो कितने का आंकड़ा था, तो भैया वो आंकड़ा था 14 करोड़ 5 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस फिल्म को दूसरे संडे को यानी भैया 10वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था कितना, तो भाई वो आंकड़ा था 17 करोड़ 32 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के 4थे दिन यानी कि भैया दूसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा कितने का था, तो भैया वो आंकड़ा था 5 करोड़ 45 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर करने का कलेक्शन मिला, तो भाई वो आंकड़ा था 5 करोड़ 15 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के 6थे दिन बॉक्स ऑफिस पर करने का कलेक्शन मिला, तो भाई वो आंकड़ा था 4 करोड़ 68 लाख रुपए का। और उसके बाद भी इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि 7वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 4 करोड़ 31 लाख रुपए का। यानी कल इस फिल्म ने 4 करोड़ 31 लाख रुपए का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करते ही भैया मेरी बात को सही साबित कर दिया मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते के माध्यम से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो अब तक कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 163 करोड़ 48 लाख रुपए का। यानी कि 163 करोड़ 48 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए यह फिल्म अब 175 करोड़ के आंकड़े की तरफ मूव कर चुकी है और भाई बहुत जल्दी इस फिल्म को लेकर यह जानकारी भी हम लोग के सामने आ जाएगी कि भैया ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार करी है। और वैसे भैया फिल्म को लेकर यह जानकारी तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दी है कि भैया इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया है मेरे भाई। यानी इस फिल्म को भैया अब तक जो ओवरसीज से कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है $5 मिलियन का, यानी कि इंडियन करेंसी में बताएं तो भैया 40 करोड़ 58 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जो अब तक कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 235 करोड़ 18 लाख रुपए का, यानी कि 235 करोड़ 18 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए यह फिल्म भाई वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करने जा रही है मेरे भाई। भैया इतनी बड़ी कामयाबी इस फिल्म को मिल चुकी है, तो भाई इस फिल्म को लेकर अब आप क्या कहना चाहोगे। भैया इस फिल्म के खिलाफ जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे उनकी नेगेटिविटी धरी की धरी रह गई कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।